अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमान में रखे। दोस्तों, कराची बोर्ड का 9 क्लास का और 10 क्लास का 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आपका कब आएगा, इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टेयरिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर सारी चीज़ें की गई थी, आपके रिज़ल्ट, एग्ज़ाम्स और तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई थी। उसके मुताबिक आपका जो 10 क्लास का रिज़ल्ट है कराची बोर्ड का, वो आपका तकरीबन जो है वो एग्ज़ाम्स के तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और ये जो आपका महीना बन रहा है या अगस्त के जो है वो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आपका ये रिज़ल्ट 10th क्लास का कराची बोर्ड का जो है वो एक्सपेक्टेड है। मज़ीद जो नोटिफिकेशंस वगैरह सारी डिटेल्स आएंगी तो आपको लम्हा बलम्हा इस चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। और आपका कराची बोर्ड का जो 9 क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आपका तकरीबन जो आपके 10 क्लास का रिज़ल्ट है उसके तकरीबन 1.5 महीने बाद या 2 महीने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी स्टैंडिंग कमेटी, उसने जो है वो ये शेड्यूल दिया था टेंटेटिव, जिसके मुताबिक आपका जो 9 क्लास का रिज़ल्ट है यानी 10th क्लास का रिज़ल्ट अगस्त के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो आपका 9 क्लास का कराची बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपका सितंबर मिड के अंदर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर या इस तरह से अक्टूबर के जो पहले जो वीक्स हैं उसके अंदर आपका ये रिज़ल्ट 9 क्लास का एक्सपेक्टेड है। तो मज़ीद डिटेल्स हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड वगैरह के आएंगे तो वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करके रहें ताकि जब भी रिज़ल्ट आए या उसके हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।